जून को जिला विद्यालय निरीक्षक बस्ती द्वारा एक पत्र जारी किया गया। वो पत्र जनता के हित में नहीं था, वो पत्र विद्यालय प्रबंधकों के हित में था, विद्यालय चलाने वालों के हितों में जारी किया गया कि अभिभावकों को फीस वसूली का दबाव बनाया जाए। जिला प्रशासन से हम जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन में आपने गन्ना किसानों का भुगतान तो कराया नहीं, आपने वाल्टरगंज शुगर मिल में 2016 से लेकर के अभी तक बकाया है किसानों का पैसा, रुदौली चीनी मिल का तो 14 दिन का बकाया है, अभी आपने 14 दिन का पैसा अभी तक आपने दिया, तो वहां आप 100 करोड़ रुपए से ऊपर आपका बकाया है। बस्ती में लोग खेती किसानी पे भी निर्भर, ये बात जिला प्रशासन को भी समझना होगा। अगर वो आदेश जारी करते हैं विद्यालय प्रबंधकों के हिमायत में तो वो पहले गन्ने का भुगतान करावें, पहले किसानों के जो बकाया हैं गेहूं के वो भुगतान करावें, और उसके बाद जो रोजी रोजगार छिने हैं उनकी व्यवस्था करावें। उसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं और अपील करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि जो निजी विद्यालय हैं वो सहानुभूति पूर्वक अपने जो उनके बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनके अभिभावकों की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए उन पर अनैतिक दबाव न बनावें। ये बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं, अभिभावक आपको फीस देता है और देता रहा है, आपका विद्यालय उसी से फलता फूलता रहा है, आप इन पे लॉकडाउन की अवधि का तमाम ऐसे उदाहरण उत्तर प्रदेश में मौजूद है। अभी गाजियाबाद का एक लेटर हमने पढ़ा है, सुल्तानपुर का भी एक लेटर अभी हमने पढ़ा है, और भी कुछ जगहों के पत्र अभी हमको प्राप्त हो रहे हैं। हमारे साथियों द्वारा बताया गया है कि तमाम विद्यालय के लोगों ने फीस माफ करने का काम किया लॉकडाउन की अवधि का। तो बस्ती के जितने ये प्राइवेट स्कूल संचालित करने वाले लोग हैं, हम उनसे अपील करते हैं, आप इंसान बनो, आज आप व्यापारी मत बनो, और व्यापार को आप जीवन भर कर लोगे, और विद्यालय में आप पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, आपका भी नुकसान हुआ है, हमारी भी सहानुभूति है आपके साथ, लेकिन आप आज अभिभावक को आप रिलीफ दे देंगे तो वही अभिभावक आपके साथ बहुत आपका गुणगान करेगा, आपके साथ खड़ा रहेगा, आपके स्कूल को बढ़ाने में वो खुद मदद करेगा। तो आपको सहानुभूति पूर्वक विचार करना होगा, आज अनैतिक दबाव मत बनाइए अभिभावकों पे, तमाम शिकायतें प्राप्त हो रही हैं हम लोगों को, और फीस आपको लेनी ही है तो उसका एक गाइडलाइन बना लीजिए, एक शेड्यूल बना लीजिए उनको कम से कम। अभिभावक कोई ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे की फीस नहीं अदा करना चाहता है, सब अदा करना चाहते हैं, लेकिन मौका भी दीजिए, कहीं वो जो लोग हैं उनसे आप इकट्ठे फीस मांग रहे हो, पूरी एनुअल चार्ज के नाम पे आप पता नहीं कितना बड़ा बड़ा रकम मांग रहे हो, तो ये सब